ओके अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे थे उसके सोल्यूशन को और इससे पहले मैं उसका एक पार्ट बना चुका हूँ एक वीडियो का और वो अगर आपने नहीं नहीं देखा तो यू कैन वॉच दैट नाउ वी आर डिस्कसिंग द दोलूशन ऑफ सेक्शन बी सेक्शन बी को हम सोल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे इससे पहले जो मैं फर्स्ट मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया उसमें सेक्शन सी को मैंने सॉल्व किया है मुकम्मल पार्ट से और वहाँ पर सेक्शन सी के तमाम क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है उसके अलावा ओवरऑल मॉडल पेपर को भी डिस्कस किया है कि क्या कुछ करना है क्या पैटर्न है और हर चीज़ डिस्कस की है इसके पार्ट नंबर वन के अंदर तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट जो कि आप पार्ट वन देख लें ताकि आपको इंस्ट्रक्शन के हवाले से हर चीज़ वहाँ पर मिल जाए तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन दोबारा से नहीं बताऊँगा यहाँ पर सिर्फ सोलूशन की डिस्कस करेंगे यहाँ सेक्शन बी को अगर आप देखें यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आप टोटल दस पार्ट्स करने हैं और टोटल कितने होंगे यहाँ पर पंद्रह पार्ट्स क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग होंगे मतलब कि वो चीज़ आप एक दफ़ा फर्स्ट पार्ट देखने तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा हर चीज़ वहाँ पर मैंने डिस्कस की है मैं भी आऊँगा सोल्यूशन की तरफ सोलूशन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के अंदर कितने पाँच पार्ट्स हैं तो उसका पहला पार्ट की बात करते हैं पहला पार्ट में क्या है सॉल्व द क्वालिटी इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड इक्वल टू माइनस थर्टीन बाई कम्प्लीटिंग द स्क्वायर्स वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको फाइंड करना है इसका सोल्यूशन बाई कम्प्लीटिंग स्क्वायर कम्प्लीटिंग स्क्वायर का मतलब आपको जानते होंगे याद होगा आपने मेट्रिक क्लास में पढ़ा होगा कम्प्लीटिंग स्क्वायर के जरिए आपने करना है इसको सॉल्व तो सिंपली पहले क्या करेंगे सोलूशन लिखना शुरू करते हैं जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू माइनस थर्टीन कम्प्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये होता है कि मुझे करना है कम्प्लीट फार्मूला कम्प्लीटिंग स्क्वायर के अंदर आपके पास क्या होता है या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आपने कम्प्लीट करना होता है या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपने कम्प्लीट करना होता है इसका मतलब यही होता है ठीक है स्टूडेंट्स तो इट्स मीन दैट जो जेड के फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है इसको आपने करना है कम्पलीटिंग स्क्वायर के अंदर जेड माइनस समथिंग का होल स्क्वायर होना चाहिए या जेड प्लस समथिंग का होल स्क्वायर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू दैट यहाँ पर जो कॉफिशेंट ऑफ टर्म कंटेनिंग स्क्वायर जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म होती है जिसकी पावर डिग्री टू होती है उसका अगर तो मेरे पास क्या हो कॉफिशंट वन होना चाहिए जैसे अगर आप देखें इसको कॉफिशेंट क्या है जेड का ऑलरेडी वन है तो ये स्टेप मेरा फुलफिल है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कॉन्स्टेंट जो भी होता है उसको हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आपका राइट साइड पर ऑलरेडी शिफ्टेड है तो ये भी स्टेप आपका मुकम्मल है थर्ड क्या होता है आपने यहां आप पर करना है जेड स्क्वायर के अंदर माइनस सिक्स जेड प्लस दोनों तरफ आपने प्लस करना होता है क्या प्लस करना होता है उसको भी देखते हैं दोनों साइड पर आप प्लस करते हैं हाफ द कॉफिशेंट ऑफ जेड कॉफिशंट ऑफ जेड क्या है जेड है कॉफिशेंट ऑफ जेड इज सिक्स सो देर फोर उसका हाफ करेंगे सिक्स का हाफ उसका स्क्वायर ये टर्म जो होगी वो आप दोनों साइड पर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास टू थ्री और सिक्स तो थ्री का स्क्वायर सो इट मीन दैट हमें थ्री का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करना पड़ेगा ये चीज़ हमें यहाँ पर दोनों साइड पर ऐड करनी पड़ेगी सो इट्स मीन वी विल एड थ्री स्क्वायर हेयर एंड थ्री स्क्वायर हेयर इसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर एड थ्री स्क्वायर बोथ साइड्स देयर फोर इट विल बिकम जेड स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस थ्री का होल स्क्ना है लास्ट टर्म लिखनी है तो माइनस आएगा प्लस का साइन प्लस तो आएगा माइनस आएगा यहां पर और इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला बंद कर देना है दिस विल बी इक्वल टू माइनस थर्टीन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन सो देर फोर जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थर्टीन प्लस टन कितने हो जाएंगे माइनस के फोर दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज आपको स्क्वायर यहां खत्म करना है टेकिंग स्क्वायर रूट बॉथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट बॉथ साइड्स। सो देयर फोर जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू इधर स्क्वायर रूट आएगा तो रूट ऑफ प्लस माइनस माइनस का फोर जेड माइनस थ्री विल भी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस फोर यानी कि अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म होती है इसका मतलब तो आई ओटा आएगा वहां पर और फोर परफेक्ट स्क्वायर है square, तो क्या हो जाएगा मेरे पास दिस विल भी इक्वल टू प्लस माइनस टू आई ओटा सो सिंपली जेड इज इक्वल टू माइनस का थ्री वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा थ्री प्लस माइनस टू आयोटा एंड दिस इज योर आंसर तो इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ यही काम करना था नेक्स्ट वन इज पार्ट नंबर टू सो पार्ट नंबर टू में आपसे क्या कह रहे हैं फाइंड दीरियडिक मैट्रिक्स आपको जो है पीरियड मालूम करना है पीरियड मालूम करने का मतलब क्या होता है आ, इसका मतलब वो होता है कि आप जो गिवेन मैट्रिक्स है फर्ज करो गि मैट्रिक्स ए है इसको आप इतनी दफा मल्टीप्लाई करो कि दोबारा से आपकी मैट्रिक्स ए दोबारा आ जाए मतलब मैं ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहा कराऊँ ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा ए आ गई ठीक है अगर ये दो दफ़ा पे नहीं आई तीन दफ़ा पे आई ए को ए से तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा ए आ गई इट्स मीन दैट मैंने ए को ओरिजिनल मैटर ए से दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर ए आया सो इट्स मीन दैट ए की पावर टू प्लस वन लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं ठीक है स्टूडेंट्स बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो टू प्लस वन हो जाएगा सो इट्स मीन दैट मैंने जो मैं औरजिनल मैट्रिक्स ए है उसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने के ऊपर दोबारा से मैट्रिक्स ए आ गई ठीक है स्टूडेंट्स मैंने इसको ये वाला केस कंसिडर किया है फर्स्ट वर्नि कि मैंने मैट्रिक्स को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करा तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास दोबारा मैट्रिक्स ए आई तो ओरिजिनल मैट्रिक्स को मैंने उसके साथ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया सिंपल सो इट्स मीन दैट ए के प्लस वन तो के जो होगा इसका के इज द पीरियड कि मैं कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराऊँगा के इज द

गिवन मैट्रिक्स को फर्स्ट कर लो ए के बराबर है गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इसको हमने ए का नाम दे दिया वन माइनस टू माइनस सिक्स माइनस थ्री टू नाइन टू जीरो माइनस थ्री ठीक है स्टूडेंट्स अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए को ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इन टू ए एंड दैट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए लिखूँगा वन बल्कि इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ मैट्रिक्स ए लिखी और दोबारा से मैट्रिक्स ए लिखेंगे नहीं मैट्रिक्स ए आ गई यहाँ पर दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं ये मैट्रिक्स ए आ गई ठीक है पर इसको करवा लेते हैं, सो so, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा फर्स्ट विद फर्स्ट अच्छा मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है ये आपको याद होगी टू पॉइंट टू में पढ़ा था इसको फर्स्ट विद फर्स्ट करूंगा वन 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 माइनस टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू थ्री टू का सिक्स हो जाएगा ठीक है इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है ये इसको मैं इससे करवा रहा हूँ यू हैव टू रिमेंबर दैट होपफुली मल्टीप्लिकेशन आपको आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप बचपन से सीखते आ रहे हैं क्लास जब पढ़ेंगे नाइन मेट्रिक के अंदर जब से तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको वहाँ से चलती आ रही है आपकी सो टू थ्री सिक्स माइनस माइनस प्लस हो गया आप सिक्स को टू से करोगे तो माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम पहली रो की दूसरे कॉलम से बारी आएगी तो वन टू द टू माइनस का टू 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 द फोर माइनस का फोर सिक्स जीरो जीरो प्लस जीरो आ जाएगा फिर वन यहाँ पर करोगे वन सिक्स सिक्स माइनस का सिक्स आ जाएगा टू नाइन एटीन माइनस का एटीन आ जाएगा माइनस माइनस प्लस सिक्स थ्री जै एटीन आ जाएगा तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से भी कर दिया फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दिया फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कर दिया है ये तीन स्टेप हम कर चुके हैं अब सेकंड रो की बारी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होगी सेकंड से होगी फिर थर्ड से होगी सो माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करो माइनस वन uh, के साथ माइनस का थ्री वन जी माइनस प्लस माइनस थ्री टू जिक्स इसके बाद हो जाएगा मेरे पास प्लस एटीन ये मैं लिख रहा हूं यहां पर सिक्स प्लस टू प्लस जीरो एटीन प्लस एटीन माइनस ट्वेंटी सेवन मल्टीप्वेशन ओपरली यू विल डू दैट अच्छा आप थर्ड की बारी थर्ड विद फर्स्ट थर्ड विद सेकंड थर्ड विद थर्ड तो इसके ऊपर हम इतना टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे टू वन ज टू ज़ीरो का ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस सिक्स फिर टू टू द फोर माइनस का फोर प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो टू सिक्स ट्वेल्व माइनस का ट्वेल्व प्लस जीरो माइनस माइनस प्लस नाइन इन सबको अप कर लें सिंपलीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है छ और एक सात माइनस बारह पांच माइनस के पांच बचेंगे तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इसको मैं तो ये मैट्रिक्स मेरे पास ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आई है दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सिक्स नाइन, एट नाइन माइनस फोर माइनस फोर एंड माइनस थ्री ठीक है स्टूडेंट्स सो दिस इज यूर ए स्क्वायर अच्छा तो ए स्क्वायर से मतलब ए को एमेंट प्लाय करा दोबारा से मेरे पास वो मैट्रिक्स नहीं आई है तो मैं दोबारा से इसको एसमेंट प्लाय करा दूंगा सो आई विल डू दैट ए स्क्वायर को दोबारा से ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दो ए तो स्क्वायर तो मेरे पास ये वाली है स्क्वायर आ गई, इसको दोबारा तो से ए से मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स ए मेरे पास ये रही तो इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करा देता हूँ सो दिस विल भी इक्वल टू दोबारा से वही मल्टीकेशन करनी है आपने सिंपली कुछ, कुछ भी नया नहीं है फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो सेकंड सेकंड रो थर्ड एंड सो ऑन सो आई राइटिंग द रिजल्ट हेयर माइनस फाइव प्लस एटीन माइनस ट्वेल्व टेन माइनस ट्वेल्व प्लस जीरो देन आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाएगा थर्टी माइनस फिफ्टी फोर And plus six three are eighteen. Then second row with first column that will be equal to nine ones are nine eight threes are twenty four. Nine. Yeah, Jagamir pass. 24 I

Obviously, यहाँ पर भी टेन होगा एंड यहाँ पर भी टेन होगा सो टेन एंड टेन ठीक है स्टूडेंट्स सो आफ्टर दैट यहाँ पर हो गए नाइन नाइन दाइन टेन थ्री थर्टी माइनस के थर्टी ओके ना ओके ना नाइन टू दिन ओके ठीक है स्टूडेंट्स सो देर फोर माइनस एटीन प्लस ट्वेंटी प्लस जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस फिफ्टी फोर प्लस नाइन्टी माइनस ट्वेंटी सेवन फोर वन द फोर माइनस का फोर प्लस ट्वेल्व फोर थ्री टू दिक्स माइनस का सिक्स आफ्टर दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर टू द एट माइनस एट प्लस जीरो माइनस माइनस प्लस सिक्स फोर फोर ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी सिक्स एंड प्लस नाइन सबको आप सम कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू वन माइनस टू माइनस सिक्स माइनस थ्री एंड टू नाइन टू जीरो एंड माइनस थ्री एंड आई थिंक दिस इज दी औरिजिनल मैट्रिक्स ए वन माइनस टू माइनस सिक्स माइनस थ्री टू नाइन टू जीरो माइनस थ्री या सो देर फोर आपने क्या कमेंट्लाई करवाया है यहाँ पर ये क्या हो गया ए स्क्वायर को एम्लाई करा तो ए स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा सो ए स्क्वायर प्लस वन का मतलब क्या है दर इज द पीरियड ऑफ मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर प्लस वन एज द ऑरिजिनल मैट्रिक्स सो द पीरियड ऑफ मेट्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट प्रूव दैट ओके ये वाला क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं इस तरह का सिंपली पहला काम क्या होगा हमारा मुझे सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर अल्फा की पावर हाइएस्ट पावर चाहिए यहाँ पर देखिए अल्फा है यहाँ पर अल्फा है ही नहीं तो मुझे यहाँ फर्स्ट रो में हर जगह पर एल्फा चाहिए सेकेंड रो में जाएगा बीटा चाहिए थर्ड रो में जाएगा गामा चाहिए सो सिंपली मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखें आप यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख दें इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्सपेंड किए बगैर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मेंट के जरिए इसको प्रूव करना है बीटा गैमा एल्फा बीटा गैमा टू पॉइंट फोर में करवा भी चुका हूँ ये आपको लेकिन अगर आपने टू पॉइंट फोर नहीं देखी है यू कैन वॉच ओवर देयर एज वेल तो मुकम्मल एक्सरसाइज मैंने करवाई है गैमा एल्फा बीटा अल्फा, बीटा गेमा सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहां पर सब में रो वन में चाहिए यहां पे। मैं लिखता हूं यहां पर यह क्या लिख देता हूं मल्टीप्लाई रो वन बाय अल्फा, रो टू बाय बीटा एंड रो थ्री गेट so अच्छा एल्फा बीटाइट से कर लेता हूं मतलब डायरेक्ट हो जाएगा इतना आसान होगा सो देर फोर यहां पर अप्लाई करूंगा तो की पावर थ्री तो एक अल्फा की पावर थ्री जो रिक्वायर्ड थी, थी वो आ जाएगी यहां पर अल्फा की पावर थ्री यहां पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा यहां पर आ जाएगा अल्फा की पावर थ्री बीटा गैमा यहां पर क्या हो जाएगा बीटा क्यूब यहां पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा एज इट इज बीटा स्क्वायर गेमा यहां पर हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर बीटा पावर थ्री गेमा यहां पर क्या हो जाएगा गेमा क्यूब एंड यहां पर हो जाएगा अल्फा बीटा गेमा स्क्वायर और यहां पर अल्फा बीटा गेमा क्यूब सो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर लेते हैं अल्फा बीटा गैमा जो है कॉमन ले लेते हैं यहीं पर कर लेते हैं इसको मैं टेकिंग कॉमन ये स्टेप आगे लिख सकते हैं वैसे आप टेकिंग कॉमन अच्छा यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करवाया था तो डिवाइड भी होगा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर से गैमा स्क्वायर से टेकिंग कॉमन अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम C2 टू एंड सी थ्री कॉलम टू और कॉलम थ्री से आप अल्फ़ा बीटा गैमा को कॉमन निकाल लें तो इससे क्या फ़ायदा होगा वन अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर एज इट इज़ पड़ा हुआ है यहाँ से जब आप कॉलम टू से अल्फा बीटा कॉमन कामन निकालेंगे इसे लिखता हूँ अल्फ़ा बीटा गैमा ये कॉलम टू से निकाल लिया और एक बार कॉलम थ्री से निकाल लिया तो दो अल्फ़ा बीटा गैमा बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉलम वन में फ़र्क नहीं पड़ेगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब एंड क्यूब से अल्फा बीटा गैमा जा चुका है तो सिर्फ बचेगा एक दफा अल्फा यहां से बचेगा सिर्फ बीटा यहां से बचेगा सिर्फ गेमा यहां से अल्फा बीटा गैमा जा चुका है यहां से बचेगा अल्फा स्क्वायर यहां से बचेगा बीटा स्क्वायर यहां से बचेगा गैमा स्क्वायर अब ये आपस में कट जाएंगे अल्फा बीटा गैमा अल्फा बीटा गैमा स्क्वायर हो जाएगा तो अपॉन में कटेगा आपस में तो मेरे पास बचेगा सिर्फ दिस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब अल्फा स्क्वायर और अल्फा बीटा गैमा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गैमा स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं इसको मैं ले लेता हूं अगले पेज के ऊपर लेके जाता हूं ताकि ये समझने में आसानी हो हुँ. अच्छा भाई अगला स्टेप हमारा क्या होगा मुझे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या चाहिए फर्स्ट कॉलम में अल्फा, बीटा, गेमा चाहिए ठीक है लेकिन मेरे पास ये उसमें कॉलम टू के अंदर है इंटरचेंज मैं यहाँ पे कर लूंगा इंटरचेंज कॉलम वन एंड कॉलम टू कॉलम वन और कॉलम टू को इंटरचेंज कर लो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन बाहर आएगा जब भी हम इंटरचेंजिंग करते हैं अल्फा बीटा गैमा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड गैमा क्यूब अच्छा अभी यहाँ पे तो क्यूब आना था ठीक है स्टूडेंट्स एंड सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गैमा स्क्वायर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे दिस विल भी इक्वल टू अब दोबारा से मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ इंटरचेंज मुझे और क्या चाहिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाले टर्म जो है यहाँ पर के अंदर कॉलम टू में चाहिए तो इनको मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ इंटरचेंज कॉलम टू एंड कॉलम थ्री सो दिस विल बी इक्वल टू एक बार माइनस का साइन बाहर पहले से पड़ा हुआ है और एक और माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गैमा कॉलम टू और कॉलम थ्री थ्री इंटरचेंज होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड एंडमा क्यूब दिस विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो फाइनल आपका रिजल्ट यही हो जाएगा अल्फा, बीटा गैमा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गैमा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड गैमा क्यूब

मोमेंट की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है प्रोड्यूस बाय द अप्लाइड फोर्स तो मोमेंट ऑफ फोर्स का बेसिकली आपको फार्मूला याद होना चाहिए तो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फार्मूला है उसमें आपका वेक्टर जो है आर्म ऑफ फोर्स वो रिक्वायर्ड है और इसके अलावा फोर्स रिक्वायर्ड है सो so, फार्मूला क्या है उससे पहले मैं लिखता हूँ सोल्यूशन रिक्वा एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी इसके अलावा आर्म ऑफ फोर्स का गिवन है आर्म ऑफ फोर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन के साथ क्या आर्म ऑफ फोर्स इसको फर्ज कर लो आर के नाम से आर वेक्टर आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एंड दस ट्वेंटी एंड इसके अलावा एंगल के ने थीटा इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री सो वी नो दमूला ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स इसको कह रहा है m नॉट से m नॉट विल बी इक्वल टू r क्रॉस f इसका फॉर्मूला क्या होता है r क्रॉस f r ऑफ़ 1 f का क्रॉस प्रोडक्ट तो जब क्रॉस प्रोडक्ट को आप चेंज कर लेंगे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप मैग्नीट्यूड क्रॉस की मैग्नीट्यूड के फॉर्म में r f साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ f साइन थीटा सो दिस विल बी इक्वल टू what is the value of R? R is given 0.15 F is given 22 Newton and sine theta is given 75 degree so simply if you keep it in calculator solve answer 3.185 moment of force this is your required answer next part नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट ग्राफिकली ग्राफ के जरिए आपने इसको सॉल्व करना है और आई थिंक ये इसका लास्ट पार्ट भी है या yeah. तो ग्राफ के जरिए इसको आपने सॉल्व करना है और इसमें क्या आपको गिवन है दो फंक्शंस गिवन है तो फंक्शंस एंड ग्राफ का चैप्टर नंबर एट से ये क्वेश्चन है बेसिकली पहला काम आप क्या कर लेते हैं फंक्शन आपको given है इसको देखो वाई की फॉर्म में लिख लो सोल्यूशन शुरू करते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड दूसरा वाला क्या है जी ऑफ एक्स भी वाई की फॉर्म में लिखो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इसे आप कह दो क्वेश्चन नंबर वन इसे कह दो क्वेश्चन नंबर टू बाय कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर वन एंड टू वी विल गेट हियर बाय कंपेयरिंग एक्स प्लस टू विल भी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स दोनों कंपेयर कर लिया तो आपका सही आ जाएगा सो इट्स मीन दैट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एंड माइनस एक्स एंड माइनस टू विल बी इक्वल टू जीरो एंड सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फोर दैट विल फोर इज इक्वल टू जीरो आपका आ चुकी क्वालिटी क्वेश्चन एक तो इसमें से आपके पास एक्स की दो वैल्यूज जा आ जाएंगी उन एक्स की दो वैल्यूज को निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इसको ब्रेक कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर के अंदर इक्वल टू ज़ीरो ठीक है स्टूडेंट्स फैक्टर फाइंड करेंगे फोर के फैक्टर क्या हो सकते हैं फोर वन ज फोर होता है टू टू दा फोर होता है लेकिन फोर रन को ऐड करने में फाइव आएगा सो so दे ये मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला वही तरीका जो कि आपने सीखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपके क्या बचेगा एक्स माइनस फोर और यहाँ से अगर आप माइनस वन कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से एक्स माइनस फोर दैट विल बी इक्वल टू जीरो सो एक्स माइनस फोर इज सेम ओवर हेयर तो एक्स माइनस वन इक्वल टू दिस सो एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन आयदर एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर सो आइदर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और X minus one is equal to zero, so x is equal to four and another solution is x equal to one. x की दो वैल्यूज आ चुकी है, हैं यहाँ से हम निकाल सकते निकाल सकते हैं y की दो वैल्यूज तो y की दो वैल्यूज निकालने के लिए सिंपली आपने क्या कर लेना है put कर देना है put x equal to four in one so what will you get y is equal to 4 plus plus 2 1 implies that and y is equal to 6 so by putting the x equal to 4 we will get the y, uh, y equal to 6 2nd point, ye gaya. Dusra point kya hoga put x equal to 1 in equation number 1 so 1 implies that y is equal to 1 plus 2 and that will be equal to y is equal to 3 so which means that एक्स अगर मैं वन पुट करूँ तो वाई कितना आता है थ्री आता है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें मालूम हो चुके हैं कि दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे अब लेकिन हमें करना है क्या ग्राफिकली करना है इसको तो ग्राफिकली करने के लिए इसको अब ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप कुछ वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगे तो वैल्यूज रिक्वायर्ड करने के लिए पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर टेबल अच्छा अभी नेक्स्ट एक पेज बनाते हैं यहाँ पर आपको याद हो तो ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे टेबल सेट कर लेता हूं ग्राफ भी बी कराना पड़ेगा हमें आई थिंक दैट विल बी इनफ यह हमारे काम आ जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस लाइन हमें ग्राफ पेपर चाहिए होगा और एक टेबल रिक्वायर्ड होगा यहां पर हम रख लेते हैं एक्स की और वाई की वैल्यूज को एक्स वैल्यूज वाई वैल्यूज वी विल गेट हेयर अच्छा पहले छोटा सा बना देता हूँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर देंगे वाई का फंक्शन है बिकॉज होपफुली यहाँ पर आ जाए अच्छा भाई बाकी ये सारी आखिरी जगह लीजिए जगह छोड़ देते हैं सबसे पहले काम क्या कर करना है यहाँ पर एक्स की वैल्यू बारी बारी पुट करेंगे एक्स की वैल्यू वन डिफरेंट कलर से पुट कर लेता हूँ एक्स और यहाँ पर क्या है वाई इज इक्वल टू नहीं यहाँ पर भी डिफरेंट कलर प्रोडूज कर लेता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू पहला क्या एक्स प्लस टू दूसरी क्वेश्चन क्या है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स और यहाँ पर क्या है लाइन एक तो बन रही पहली क्वेश्चन लाइन की है दूसरी कौन सी पैराबोला की है ठीक है स्टूडेंट्स तो पहले एक्सपुट करूंगा वन टू थ्री फोर फाइव पुट करके देखते हैं क्या आता है मेरे पास एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है एक्स की वन और फोर आ रही है ये तो मुझे लादमी चाहिए तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव पुट करके देख लिया आपने अब वाई की वैल्यूज पहले वाले की बात करते हैं जब x इक्वल टू वन होगा तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर y विल be इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है जब मैं x वन पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू वन प्लस टू थ्री हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर थ्री आएगा सो so, अगर मैं x इक्वल टू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू टू प्लस टू एंड दैट विल बी इक्वल टू वाई इज इक्वल टू फोर तो फोर यहाँ पर आएगा सो वैन आई पुट हेयर मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ पर ताकि जब अच्छा भाई इसके बाद फिर करते हैं पुट यहाँ पर x इज़ इक्वल टू थ्री पुट कर रहा हूँ तो y क्या हो जाएगा y इज़ इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा तो यहाँ फाइव पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू फोर पुट करूंगा तो y इज़ इक्वल टू फोर प्लस फोर दैट विल बी इक्वल टू फोर प्लस टू दैट विल बी इक्वल टू सिक्स सो यहाँ पे सिक्स आ जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ पर फाइव प्लस टू सेवन आ जाएगा तो ये काम तो हमारा हो गया था इसको हम कर देते हैं रिमूव अच्छा भाई इसके बाद फिर मेरे पास क्या लाइन है लाइन इसके अलावा ये क्वालिटी पैराबोला है तो पैराबोला के ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास पॉइंट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे वाई इज़ इक्वल टू एक बार एक्स इक्वल टू वन पुट करूँगा पहले तो वन का स्क्वायर माइनस फोर इन टू वन प्लस सिक्स सो दिस वाई इज़ इक्वल टू वन का स्क्वायर वन माइनस फोर वन फोर प्लस सिक्स सो वाई इज इक्वलस माइनस फोर टू 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 प्लस टू थ्री तो पहली पहली पहलाएगा यहाँ पर थ्री आएगा दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा वाई इज इक्वल टू टू फुट करना पड़ेगा टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू प्लस सिक्स एंड दिस भी इक्वल फोर माइनस टू टू ज फोर प्लस सिक्स तो यह आ जाएगा आपके पास सिक्स टू का स्क्वायर टू टू ज फोर नहीं यहाँ पे फोर मैंने यहाँ पे गलती से ये पुट कर दिया है ओके ओके ये आएगा आपके पास फोर फोर टू द एट तो फोर माइनस एट इक्वल टू माइनस का फोर प्लस सिक्स दैट विल बी इक्वल टू टू तो यहाँ पर आएगा टू एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने पुट करना है यहाँ पर क्या पुट करना है थ्री पुट करना थ्री के ऊपर क्या हो जाएगा फाइव थ्री दा फिंग यहाँ पर कर ही देता हूँ वाई इज इक्वल टू टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर थ्री स्क्वायर अगेन आ जाएगा एंड सिमिलरली वैल्यूज ऑफ फोर एंड फाइव पुट करने पर आपके पास क्या आ रहा है दिस विल बी इक्वल टू सिक्स एंड एलेवन तो ये काम अपने सारे बा, सारी बाकी पॉइंट्स पुट कर लिए तो दो पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मुझे पता है नाउ, लाइन के ऊपर क्या पॉइंट्स आ रहे हैं लाइन के ऊपर ये जो है लाइन है वन पुट करने पे थ्री आ रहा है तो वन कॉमा थ्री फिर पैरा बोला लाइन की मजीद क्या है टू कॉमा फोर तो लाइन के सारे पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पे टू कॉमा फोर अगला क्या है थ्री कॉमा फाइव नेक्स्ट क्या है फोर कॉमा सिक्स नेक्स्ट वन क्या है फाइव सेवन की बात करते हैं पैराबोला के ऊपर क्या है थ्री कॉमा आ, वन कॉमा थ्री वन पुट करने पे थ्री आया था इसको मैं ब्रग लेता हूँ वन कॉमा थ्री इसके बाद ही हो जाएगा मेरे पास टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री फोर कॉमा सिक्स फाइव कॉमा एलेवन ठीक है स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स मेरे पुट करने हैं प्लॉट के ऊपर ग्राफ के ऊपर तो यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना ग्राफ जिसमें मुझे पता है एक्स की मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या जा रही हैं फाइव तक जा रही हैं और वाई की मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या जा, जा रही हैं इलेवन तक जा रही हैं तो मुझे यहाँ पर प्लॉट जब करूँगा मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने कितना इसको प्लॉटिंग की है या इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ ग्रेट साइज थोड़ा इसका कम कर दूँ क्योंकि इतना ज्यादा है नहीं तो मुझे मसला नहीं होगा द ग्राफ हेयर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नहीं मुझे वन बॉक्सेस से जाना पड़ेगा और एक दो तीन चार पाँच हाँ यहाँ मसला नहीं है यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं तीन बॉक्सेस को वन का दे देता हूँ थ्री बॉक्सेस मिलकर वन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव ये मेरा एक्स एक्सिस बन गया और वाई एक्सिस के ऊपर मुझे वन बॉक्सेस देना पड़ेगा यहाँ पर वन टू थ्री

वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सो ऑन अच्छा अभी पहला क्या है वन कॉमा थ्री लाइन की पहली लाइन का पहला पॉइंट क्या One, है वन कॉमा थ्री है वन पर क्या है थ्री है और दूसरा क्या है टू पर टू है टू पर क्या है हाँ टू पर फोर है हाँ लाइन की बात कर रहा हूँ पहले मैं टू पर फोर पहले मैं सारे रियल पॉइंट पुट करें लाइन के पॉइंट जो हैं टू पर क्या है फोर है ये पॉइंट आ जाएगा आगे बढ़ेंगे फिर क्या है थ्री पर क्या है फाइव है थ्री पर फाइव ये पॉइंट आ जाएगा फोर पे क्या है सिक्स है ये पॉइंट आ जाएगा फाइव पे क्या है सेवन है तो यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं लाइन लाइन का कलर मैं कर लेता हूँ बिकॉज ग्रीन से किया था मैं यहाँ लाइन को सारे पॉइंट्स ग्रीन से पुट किया था यहाँ पे लाइन का कलर ग्रीन कर देता हूँ एक लाइन होगी जो कि इन सब पॉइंट से पास करेगी इसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं ठीक है ये लाइन हो जाएगी मेरे पास सो द नेक्स्ट वन इज़ पैरा बोला पैरा बोला के सारे सारे पॉइंट्स पुट करने हैं यहाँ पर ब्लू कलर से कर लेता हूँ इनको मैं पहला क्या है वन के ऊपर थ्री है वन के ऊपर थ्री तो सेम पॉइंट आ गया ये वाला पॉइंट वन के ऊपर थ्री वाला ये पॉइंट आ गया टू पर क्या है टू है टू पर टू है ये पॉइंट आ जाएगा थ्री पर क्या है थ्री है थ्री पर थ्री है ये पॉइंट आ जाएगा देन फोर पर क्या है सिक्स है फोर पर यहाँ भी सिक्स है ओके okay, ये पॉइंट भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया फाइव पर क्या है 11 है फाइव पर एलेवन थोड़ा ऊपर जा रहा है एलेवन यहाँ पर आएगा कहीं ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स सर पैराबोला पैराबोला बना देते हैं यहाँ पर ग्राफ को फ्री हैंड से आपने इसको मैच करना है तो सिंपली जस्ट पास पैराबोला फ्रॉम हेयर फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स इन तमाम पॉइंट्स को आप मैच कर दें ठीक है स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा नॉट अ स्ट्रेट लाइन इट इज अ पैराबोला रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज थ्रू द फ्री हैंड ऐसा स्टूडेंट्स एक पैराबोला बन जाएगा सो दीज आर योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं इस पॉइंट के ऊपर दोनों दिनों मैच कर रहे थे लाइन भी और पैराबोला भी और इस पॉइंट के ऊपर दोनों दिनों पैराबोला भी और लाइन मैच कर रहे थे सो इंटरसेटिंग पॉइंट्स आर डीज उनको हमने सर्कल कर दिया तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका जो सेक्शन बी है इसके तमाम क्वेश्चन मुकम्मल हो गए और सॉरी सेक्शन बी का पहले पार्ट के साथ क्वेश्चन मकमल हो गए मजीद इसके दो वीडियोज़ और बनानी पड़ेंगी मुझे सेक्शन बी को मुकम्मल करने के लिए बिकॉज लेंथी है सो विल मे एक अनदर वीडियो जब तक हाफ़ आप इसको लाजमी देखिएगा कॉमेंट लाजम करिए कोई मसला हो क्वेश्चन यू कैन लाजमी